पेट्रोल और डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा। पर आज मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी कार जिसे आपके ये दोनों मसले सुलझ जाएंगे, क्योंकि वो कार चलती है पानी से। मिलिए सागर मध्य प्रदेश में रहने वाले मोहम्मद रईस महमूदी मकरानी जी से, जिन्होंने बनाई है ये वॉटर कार। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के रईस जी पिछले 35 सालों से अपनी फैमिली के गैरेज में काम कर रहे हैं, और 2012 में उन्होंने अपनी मारुति 800 को बदल दिया ऐसी कार में जो पानी से चलती है। सन 2007 में मैंने एक प्रयोग शुरू किया। अपने एक्सपेरिमेंट में रईस मियां ने कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिक्सचर एसिटिलीन गैस की पावर को पहचाना और जुट गए अपने इस नए फ्यूल के हिसाब से इंजन को बनाने में। कैल्शियम कार्बाइड और पानी, ये दोनों के मिश्रण से एक रिएक्शन होता है, उसका रिएक्शन का गैस निकलती है। उस तरीके से मैंने जब इंजन में, पिस्टन में, कनेक्टिंग में और हेड में जब मैंने बदलाव किया, बदलाव करने के बाद फिर मैंने ये फ्यूल बनाना जब शुरू किया, उसमें सारे सिस्टम लगाए। सारे सिस्टम लगाने के बाद इंजन को जब मैंने स्टार्ट किया, तो इंजन को मुझे खाली स्टार्ट करने में 1.5 साल लग गई। 2400 घंटे इसमें मैंने काम किया कि किसी भी तरीके से इंजन स्टार्ट हो जाए। तब जाके 1.5 साल के लगभग मैं इंजन को स्टार्ट कर पाया। एसिटिलीन गैस कार्स में LPG और CNG को रिप्लेस कर सकती है, पर ये एक हाईली फ्लेमेबल गैस है। लेकिन बिना किसी बड़े टेक्निकल और मैकेनिकल सपोर्ट के इस गैस को कंट्रोल वे में एक फ्यूल के तौर पर यूज करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इसमें 796 cc का इंजन है। ये इतने ही पावर वाली दूसरी कार्स के बराबर ही पावरफुल है। इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड है 50-60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जहां पेट्रोल करीब 6 रुपए पर किलोमीटर पड़ता है, इसमें खर्चा होता है आधा। 25 किलो पानी और 4 किलो कैल्शियम कार्बाइड में ये 60 किलोमीटर तक चल सकती है। और अपनी इस वाटर कार को बनाने में वो अब तक खर्चा कर चुके हैं 7 लाख रुपए। बहुत खर्चा हो गया ना भाई। इस इन्वेंशन के लिए उन्हें दुबई और चाइना की कंपनीज ने भी कांटेक्ट किया। रईस जी चाइना की सैर भी कराए, पर मेक इन इंडिया से रईस जी इतने इंस्पायर्ड हैं कि उन्होंने सभी ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए। खैर, रईस जी का इनोवेटिव माइंड यही नहीं रुका और उन्होंने सोचा कि उन्हें मोबाइल से ही गाड़ी में ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि अभी तक मोबाइल से बात करते थे, SMS करते थे, मैसेज करते थे, या व्हाट्सएप करते थे, या मेल करते थे, कि उन्हें ऐसी चीज बनाई जाए कि अब हम मोबाइल को अगर कमांड करेंगे, अगर हमको गाड़ी बंद करना है तो हम मोबाइल से बंद कर सकते हैं, स्टार्ट करना है स्टार्ट कर सकते हैं। रईस जी अपनी इस कार को मोबाइल से भी ऑपरेट करते हैं। उन्होंने कार में ऐसा मोटर लगाया है जिसे वो मोबाइल नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी से चलाते हैं, और मोबाइल के अलग अलग नंबर प्रेस करने से कार का इंजन स्टार्ट होता है। वो चलती है, रुकती है और रिवर्स में भी आती है। तो दोस्तों, पूरी तरह से सक्सेसफुल ड्राइवरलेस कार बनाने में जहां दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, वहीं हमारे देसी साइंटिस्ट रईस जी ने ये काम चंद हजार रुपयों में कर दिया। पानी से चलने वाली ऐसी कार जो दूसरी कार्स के मुकाबले आधे से भी कम खर्चे पर चलती है, 60 की स्पीड में भागती है। रईस जी के एनवायरमेंट पर पॉल्यूशन के बोझ को कम करने का काम वाकई इन सब की काबिले तारीफ है।